आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूं देवेंद्र भावसार। चलते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में बुधवार रात को जमकर बारिश हुई, जिसका असर अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। इंदौर के जोन क्रमांक 15 के आदर्श वार्ड 71 में तो हालात ये हुए कि खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों के साथ लेकर अपने ही परिषद के अधिकारियों का घेराव करना पड़ा। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में द्रविड़ नगर जोन पर चांदमारी बस्ती के रहवासी पहुंचे और उन्होंने निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा मचाया। नाले किनारे बना और पानी काफी तेजी से आया था कुछ ही मिनटों में, तो उस वजह से पानी बाकी शहरों में ही भरा है और ये नाले किनारे इस वजह से कुछ नाले किनारे मकानों में भरा है। किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे आप इसमें? नाले की सफाई हमने कर दी गई, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा था। आगे ये बता रहे हैं कि कुछ अधिक्रमण है तो उसको चिन्हित करते हैं और संबंधित अधिकारियों से उनको रिमूव करवा दिया। निगम से आपने क्या निवेदन किया? हमने सब बताया। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। अब शहर में गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर यातायात पुलिस नहीं बल्कि नगर निगम गाड़ी को उठाएगा और चालानी कार्रवाई भी करेगा। नगर निगम और पुलिस विभाग ने यह निर्णय शहर में सड़कों पर वाहनों की पार्किंग से होने वाली यातायात में व्यवधान को लेकर किया है। अभी तक देखा जाता है कि शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है, जिससे यातायात बाधित होता रहता है। यातायात पुलिस लंबे समय से वाहनों को उठाने की कार्रवाई का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अभी तक वाहनों को उठाने का ठेका निजी एजेंसी को दे रखा है। आरोप भी लगते रहते हैं कि प्राइवेट क्रेन संचालकों के कर्मचारी और यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा ज्यादातर वाहन चालकों से वसूली कर वाहनों को बिना चालान बनाए छोड़ दिया जाता है। सहयोग से हम लोग काम करेंगे, पुलिस का भी सहयोग रहेगा, उनका भी सहयोग रहेगा। तो चालानी कार्रवाई भी कर पाएंगे नगर निगम के अब जो बंद रहेंगे? हाँ, उनका टोइंग चार्ज वगैरह जो रहता है वो तो लेंगे वो, और चालानी कार्रवाई हम लोग करेंगे। गाड़ियाँ भी आप गाड़ियों में उठा के ले जा सकेंगे? क्यों ले जा सकेंगे, दोनों क्या ना, दोनों मिलजुल के काम करेंगे और इफेक्टिव कार्रवाई। ट्रेन वगैरह किराया नगर निगम में मिलता, आगे इससे क्या अंतर पड़ेगा, क्या असर? इससे नगर निगम और ट्रैफिक दोनों मिलके काम करेंगे, अंतर ये पड़ेगा। नगर निगम और ट्रैफिक दोनों मिलके काम करेंगे तो काम में थोड़ा गति आएगी। कर्मचारी कौन से रहेंगे, किसके कर्मचारी? हम लोग तय कर रहे हैं, अभी कल ही आदेश हुआ है, आज मुझे मिला है कर्मचारी, हम लोग लगा रहे हैं उनके साथ। अभी रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। बारिश के इन दिनों में कुशवाहा नगर में स्थिति नरक से भी बदतर है। ड्रेनेज का पानी सड़कों पर भरा है। नाराज लोगों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। लोगों के साथ पूर्व पार्षद के यादव खड़े नजर आए। उन्होंने जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया। के यादव ने इस मामले में विधायक और पार्षद को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि समस्या हल नहीं हुई तो धरने पर बैठ जाएंगे। पार्षद था लगातार दो बार पार्षद रहा, मैंने यहाँ की रोड़े बनवाई, सड़कें बनवाई और सारा काम करवाया। आज स्थिति ये है कि रोड जर्जर हालत में हो गई है और जब भी ये लोग आते हैं तो उनको डांट के यहाँ का पार्षद उसकी पत्नी पार्वती की सुबह भगा देती है। अगर ये 8 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो यहाँ के रोड नहीं बने तो मैं इन लोगों के साथ धरना दूंगा और चक्का जाम देंगे। क्या पार्षद आके देख के और चला जाता है? और विधायक आपके द्वार आता है, हर साल आते हो आपके द्वार, बाकी कोई समस्या नहीं सुनते, लिख के लेके चले जाते, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। काम हुआ उसके बाद ये जो काम हमारा हुआ था, ये पूर्व पार्षद के यादव 10 साल पहले जब पार्षद थे उस समय रोड भी बनवाई थी, ये ड्रेनेज भी बनवाई थी और बिजली भी लगवाई थी, उसके बाद में ये जो ड्रेनेज की सफाई भी नहीं करवा पाए आज तक। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। दंत क्रिया के जरिए संतान सुख प्रदान करवाने का दावा करने वाले दो तांत्रिकों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी दंत क्रिया से मनचाहा प्यार दिलाने, ग्रह क्लेश से मुक्ति, सौतन सारा दिलाने, प्रेम विवाह करवाने, वशीकरण आदि का दावा कर रहे थे। आरोपी ने इंदौर के MG रोड पर किराए पर ऑफिस भी लिया था। दोपहर पैलेस खजराना में रहने वाले नजीर खान की शिकायत पर तांत्रिक समीर खान करावल नगर दिल्ली और मयंग निवासी मेरठ को गिरफ्तार किया है। संतान के लिए नजीर ने तांत्रिकों से संपर्क किया था। दंत क्रिया में उल्लू लाने के लिए तांत्रिकों ने उसे 30,000 रुपए हेट लिए, लेकिन इसके बाद भी इनकी मांग का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद फरियादी ने आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की। इवन कई तरह में ये भी बात आती थी कि इसमें उनकी पक्षियों की बलि लगेगी, ये लगेगी, इस तरह की बात भी उसको करके इसी तरह से सुनता था। इस आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा तफ्तीश दी गई और थाना की टीम के साथ एक कार्रवाई संचालित की गई, उसके खिलाफ 24 करके रजिस्टर किया गया और तमाम इस संबंध में जो प्रोसेस उसके जो प्रचार प्रसार के हैं सब जब्त किए गए, इससे पूछताछ की जाए। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो।
श्री वर्धमान जैन युवा मंच जानकी नगर इंदौर के तत्वधान में विगत 9 वर्षों से मानव व शिक्षा सेवा के क्षेत्र में नवलखा स्थित विसर्जन आश्रम की जीवनशाला स्कूल सेवा की जा रही है। इस कड़ी में इस वर्ष लगभग 125 बच्चों को पुस्तक वितरण कार्यक्रम के माध्यम से मानव शिक्षा का आयोजन 10 जुलाई 2018 को किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजकरण श्री दिलीप काकरिया, श्री संजय नाहटा, श्री सौरभ सुराणा, श्री ललित काकरिया है। श्रावक संघ व युवा संघ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में ये सफलतम आयोजन सम्पन्न हुआ। इस संस्था के संरक्षक श्री शिखर जी बाबना वे श्री धर्मजी चोरड़िया अध्यक्ष अरविंद बेताला के मार्गदर्शन में ये आयोजित किया गया। इसी कड़ी में आज विसर्जन आश्रम में जीवनशाला पाठशाला में नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम युवा मंच के सानिध्य में तत्वावधान में रखा गया। कई वर्षों से हम लोग इस विसर्जन आश्रम में जो कि सरकार से बिना किसी सहयोग के भी यह संस्था लगातार कई वर्षों से जीवित है, जिसकी पीड़ित मानवता की सेवा हेतु यहाँ के संचालक श्री किशोर जी गुप्ता जो कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं वह साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिलने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लंबे समय से आशा ऊषा कार्यकर्ता शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस मामले को लेकर गुरुवार को आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर राज्य सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से शोषण कर रही है। 80,000 आशा कार्यकर्ता है और 80,000 अगर कार्यकर्ता है उसका परिवार मिला के 2-2.5 लाख परिवार तो उसका होगा। जिस समुदाय में वो रह रही है वो समुदाय भी आशा के सपोर्ट में है। वो लोग इस बार मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी शासन नहीं आने देगी। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। 9 वर्ष पश्चात भी समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला, जबकि निकायों के उपयंत्री सहायक यंत्रियों का इसका लाभ गत 15 वर्ष पूर्व दे दिया जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में कार्यरत सितंबर 2016 तक के समस्त दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया जाना था, किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा सितंबर 2007 तक के कर्मचारियों को ही स्थायी कर्मी किया जा रहा है, जो शासन आदेशों की खुली अवहेलना है। देखिए, पिछली हड़ताल जो हुई थी उसमें शासन का ने यह कहा था कि हम एक हफ्ते में आपको आदेश जारी कर देंगे, आश्वासन दिया था, तो हमने हड़ताल स्थगित कर दी थी। लेकिन फिर भी एक हफ्ते के बजाय 15 दिन तक जब आदेश नहीं मिला तो वापस से हड़ताल अनिश्चितकालीन करिए, जिसका यह दूसरा दिन है। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। जिला मुख्यालय बुरहानपुर से 35 किलोमीटर दूर धूलकोट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे अरसे से चिकित्सक सहित पर्याप्त स्टाफ एवं उपचार के संसाधनों का अभाव बना हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा और क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही और मरीजों को उपचार के लिए मजबूरी में झोलाछाप डॉक्टरों की शरण लेना पड़ रही है। यह झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही इलाज के एवज में यह मरीजों की मोटी फीस भी वसूल रहे हैं। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। देपालपुर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी देपालपुर डिवीजन में 23,000 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। बुधवार को स्थानीय मोहित गार्डन में लाभान्वित हितग्राहियों को समारोह पूर्वक प्रमाण पत्रों का वितरण विधायक मनोज पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। संबल योजना के तहत मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 12,000 बिजली उपभोक्ताओं को 8,23,00,000 बकाया बिजली माफ हुआ है। सरल बिजली बिल योजना के 11,000 बिजली उपभोक्ताओं को पंजीयन अभी हो चुका है, जिन्हें 200 रुपये प्रति माह की मासिक दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। 132 KV का है सब स्टेशन, 220 KV में कन्वर्ट हुआ है, परिवर्तित हुआ है, जिसका 220 KV का शिलान्यास किया गया एवं 40 MVA का नया ट्रांसफर लगाया गया, जिसका लोकार्पण किया गया। इससे हमारे करीब 116 गांव के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 116 गांव इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें से करीब 51,000 उपभोक्ता है जिनको पूरा 100% 220 KV फायदा मिलेगा। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। खातेगांव के समीप मालागांव दुंदियाखेड़ी रोड पर अपनी दुर्दशा पर आंसू बह रहा है। बारिश के इन दिनों में ग्रामीणों को इस मार्ग पर चलना खतरे से खाली नहीं रहा। उक्त मार्ग पर कच्ची मिट्टी डालने से बारिश में स्थिति विकराल हो गई है। ग्रामीण जितेन गुर्जर बताते हैं कि मालागांव से दुंदियाखेड़ी मार्ग का भूमि पूजन 7 अप्रैल शनिवार विधायक आशीष शर्मा के करण कमलों से किया गया। ठेकेदार की मनमानी के कारण इस मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई। बच्चों को स्कूल भेजने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 किलोमीटर का मार्ग है, कितने लाख रुपए की लागत से बनना है? अब ये शायद 4.25 करोड़ रुपए की लगभग इसकी लागत है।
वर्तमान में क्या हालत है रोड के? वर्तमान में ये गाड़ियां डेली फंसती है, कीचड़ मचा हुआ है और कंपनी ने अभी काम में कोई उन्नति नहीं है, बंद है, काम पड़ा है। हार्ड मुरम की जगह आपका कहना है काली मिट्टी डाल दी गई? हाँ, काली मिक्स डाल दी। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। हंडिया में झमाझम बरसात के चलते हंडिया तहसील मुख्यालय का करीबन 2 दर्जन गांव से सड़क संपर्क कट गया है, जिसके चलते हंडिया मनस गांव मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने से ग्रामीणों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर रफ्ता पार करना पड़ा। वहीं शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने पानी भर जाने से छात्र छात्राओं को 2 फीट गहरे पानी से गुजर कर साला भवन पहुँचना पड़ा। जो पुलिया बनी है उसकी निकासी के लिए रेलिंग वगैरह भी नहीं है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को आने जाने में। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। जिले के सैकड़े गांव के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए करोड़ों की लागत से बना रेलवे अंडरब्रिज राहगीरों की मुसीबत उस समय बन गया जब बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात में बारिश होने के बाद अंडरब्रिज के रास्ते कमर कमर तक पानी भर गया, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले 2 पहिया वाहन, यात्री बस, स्कूल बस, ट्रैक्टर ट्राली सहित अन्य वाहनों के पहिए थम गए, जिससे ब्रिज के दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों चालकों घंटों आवागमन बाधित रहा। प्रशासन सब लोगों ने इसमें घोर लापरवाही की है, जिसमें जनताओं को, हमारी माता बहनों को, यात्रियों को परेशानी हो रही है। और ये रेल के ऊपर से जो रास्ता था वो भी रेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। जिला प्रशासन से हमारा यातायात का संपर्क टूट चुका है, ये बहुत घोर लापरवाही प्रशासन ने की है। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। आवारा मवेशियों से किसान परेशान है, यह आवारा मवेशी किसान के खेत पर फसलों को नुकसान पहुंचा दिए। आए दिन रात में जब किसान घर आता है तब यह मवेशी मौका देखकर खेत में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचा दिए। किसान कई जगह फसलें चौपट कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग गायों को जब तक दूध देती तब तक इन गौ माताओं को अपने घर में बांध कर रखते हैं एवं दूध देने जैसे ही गाय बंद हुई है और यह लोग रोड पर छोड़ देते हैं। पता नहीं कहां से आई है, नहीं तो इनको किसी ने छोड़ा कि ये गांव की है या गांव की क्या, आउट साइड के गांव के दूध खाते हैं, जब तक पास में रखते हैं उसके बाद में भगा देते हैं। अच्छा, आप सब लोग पूरे इधर एरिए की एकत्रित करके गांव को करके पहाड़ पे ले जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ क्या व्यवस्था है? वहाँ पे पूरे गांव द्वारा चंदा किया गया है। अच्छा, और ग्वाले रखे गए। रजक महासमाज के युवा संभाग अध्यक्ष श्री रोहित जी मालवी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता रजक महासमाज युवा इकाई दो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत के निर्देश पर एवं संभागीय संगठन मंत्री प्रदीप जोशी एवं जिला प्रभारी वीरेंद्र कावड़िया की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण व्यास ने भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा का जिला प्रभारी किया है। 16 जुलाई से उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में प्रारंभ हो रही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के देवास जिला प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी देवास जिला महामंत्री चौधरी को खातेगांव नगर एवं भाजपा के अनेक जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। 14 तारीख से निकलने वाली यह यात्रा लगभग 55 दिनों में 230 विधानसभाओं का भ्रमण करेगी, जहां पूरे प्रदेश को प्रदेश के विकास से अवगत कराया जाएगा। यह यात्रा कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की यात्रा है, यह यात्रा प्रदेश के विकास की यात्रा है, यह यात्रा सुशासन की यात्रा है, यह यात्रा सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र की यात्रा है।